यूनिट के संचालक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, पूरी रामला कमेटी मतलब जिनकी गहराई से इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। मेरा अनुरोध हमारे भाई डॉक्टर मुकेश जी से कि वो आए और मंच पर हमारा अपना संबोधन दें। राम भारतीय जनमानस के प्राण है, राम का अर्थ होता है रमन करने वाला। जो हमारे मनों में रमन करे वो राम है और जिसके मनों में हम रमन करें वो राम है। रामलीला के मंचन से राम की जीवन लीला को दर्शाया जाता है और राम की जीवन लीला ऐसी है जिसकी हर झांकी से, हर झलक से, हर क्षण क्षण में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो माता पुत्र का संबंध हो, चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वो भाई भाई का संबंध हो, या वो दोस्ती का संबंध हो, या गुरु शिष्य का संबंध हो, या सेवक का संबंध हो, रामायण की हर झांकी हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देती है। और रामायण को सीख कर ही, रामायण को समझ कर ही हम अपने जीवन के अंदर उन संस्कारों को प्रतिपादित करते हैं जो भारतीय समाज के अंदर होने चाहिए। इसकी परिकल्पना भारतीय समाज के अंदर वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस के अंदर की गई है। एक घंटे का सौभाग्य ही है कि पिछले सैकड़ों वर्षों से रामलीला का मंचन बहुत बखूबी मंच के द्वारा किया जाता रहा है और आज भी ये मशाल भाई सुशील, भाई मुनीष और भी बहुत हमारे बुजुर्ग और छोटे भाई हैं कमान को इस मशाल को थामे हुए हैं। उन सबको मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ और आप सब जो लोग जो रामायण का मंचन देखने आते हैं और अपने जीवन के अंदर राम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ चीजें उतारने का प्रयत्न करते हैं, आप सबको नमन करता हूँ। ये कार्रवाई इसी तरह से बढ़ता रहे और ज्यादा लोग राम जी की झांकियों में रामायण में शामिल हो, इन्हीं आकांक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राम जी। एक ऐसी हस्ती जिसने पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष से बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नालंदा शहर का नाम चमकाया है, एक ऐसी लंबी चेन बनाई है आयुर्वेदिक चिकित्सालय की कि आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो अगर आप उस साइट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको वहां पर अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सालय का सेंटर का पता लग जाएगा। और इसके लिए बधाई के पात्र हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी। इसके अलावा इस उपलब्धि के लिए उन्हें सरकार द्वारा स्वर्ण पदक देकर भी सम्मानित किया गया है और ये बड़ा सौभाग्य है इस घरौंडा शहर के लिए कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच में हमें अपना संबोधन देने के लिए आज यहाँ पर पधारी है।